जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल शाम को ये फर्जी लेटर पैड पर लिखा हुआ बहुत तेजी से प्राथमिक व्यवस्था से हटाने को लेकर के बहुत ही तेजी से कल से वायरल किया जा रहा है, जिसके ऊपर मुझे लगा कि फर्जी और झूठे चीजों को सिंगरौली के परिवार, जनता, हमारे प्रदेश के साथी, कार्यकर्ता सबके सब तक अपनी बात पहुंचा पाना मुझे लगा बताना चाहिए। तो आज बुलाए गए महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यह है कि कल एक जो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के नाम पर एक झूठा पत्र वायरल किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं न तो सीरियल नंबर है न तो क्रमांक नंबर है, और इसमें लिखा गया है कि आपको यह सूचित किया जाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का लिया गया है, जिसमें पांच साथियों का नाम है, संदीप शाह, अनिल द्विवेदी, ऋषभ चौहान ग्वालियर, प्रमोद शर्मा। जब इस विषय को मेरे संज्ञान में आने के बाद हमने दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत किया, टेलीफोनिक चर्चा हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा दिल्ली से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। और हमारी पार्टी का परंपरा भी रहा है, हमारी पार्टी के अंदर जो एक सिस्टम बना हुआ है, हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी को, प्रदेश अध्यक्ष को ऐतराज नहीं है हटाने के लिए। हमारे यहां एक परंपरा है, एक जांच कमेटी बैठती है, वो जांच कमेटी जांच करके देगी अनुशासन समिति को, वो अनुशासन समिति तय करती है कि इनको हटाना है, निलंबित करना है, एक सोकाज एक कारण बताओ नोटिस जारी होती है। लेकिन मैं बहुत ताजुब मानता हूं और बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, वो लोग आज हम लोगों को पार्टी से बाहर करने की बात कर रहे हैं, जिनको पार्टी की न तो गाइडलाइन पता है, न तो जिनको पार्टी का संविधान पता है, न तो जिनको इस देश के संविधान की जानकारी है, जिनके बताए हुए रास्ते संविधान से हम लोग चल रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों से बात कह रहा हूं, एक जब कोर्ट भी कोई डिसीजन देता है तो एक प्रक्रिया होती है, आप कोर्ट में भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, वहां लोअर कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जब जज जजमेंट देने से पहले, फैसला देने से पहले आपसे भी एक पक्ष पूछना चाहता है, आपसे भी जवाब लेना चाहता है, आपकी भी बात सुनता है, उसके बाद जज भी फैसला देता है। लेकिन आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश को रानी अग्रवाल जी के द्वारा पार्टी को चरणबद्ध तरीके से मिलकर के पार्टी को खत्म कर रही है, तानाशाही चला रही है, जिस प्रकार से परिवारवाद को हावी कर रही है, उसके खिलाफ में हमने भी लड़ा लिया है। जिस पार्टी को हमने खून पसीना से सींचा है, हमने जिस पार्टी को तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को खड़ा किया है, कुर्बानियां दिया है, हम भी इस पार्टी को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। उनको लगता है पिछले लंबे समय से वो चाहती हैं, उनके टीम के लोग चाहते हैं, उनके पति चाहते हैं कि हम लोग पार्टी को छोड़ करके कहीं और चले जाए, लेकिन हमने भी ठान लिया है, हमारे साथियों ने भी ठान लिया है कि जिस त्याग तपस्या बलिदान के साथ पार्टी को खड़ा किए हैं, 14-15 मुकदमे कायम हुए हैं, तो हम लोग भी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, हमने कल आपस में चर्चा करने के उपरांत ये निर्णय लिया है कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को हम एक पत्र लिखेंगे। उस पत्र के अंदर उनसे हम जितनी भी बातें 2018 से लेकर के आज 2023 तक की जितनी भी बातें जिस भी लेवल पे हुई हैं, उन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। हम उनसे बताएंगे आज सिंगरौली जिले के अंदर जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमारे पांच पार्षद महापौर जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के अध्यक्ष
पैसा लेकर के बनाती है और समर्थन देती है। जिस प्रकार से सिंगरौली की जनता और जनमानस ने जिनके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ में एक जनादेश दिया था, जिस प्रकार से जनादेश का सौदा किया गया, जिस प्रकार से जनादेश का अपमान किया गया, जिस प्रकार से उस जनादेश को चंद पैसे के दामों पे बेचा गया है, उसको भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको मालूम है बरगमा नगर परिषद का चुनाव होता है, बरगमा नगर परिषद के चुनाव के अंदर भी आम आदमी पार्टी के हमारे पार्टी के पांच पार्षद चुनाव जीतते हैं। पांच पार्षद चुनाव जीतने के बाद जब उनकी बहू अपने बहू को नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनाती है निर्विरोध, और वही और नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बनता है उसको निर्विरोध बनवाती है, उसके पक्ष में 11 वोट पड़ता है, जबकि हमारे पास पांच पार्षद होते हैं जो निर्दलित है। उन लोगों ने भी तय किया था हम आपको समर्थन देंगे, जो हमारे राम सजीवन बसोर जी, जो चूंकि वहां पे दलित सीट थी अध्यक्ष की, जो हमारे पार्षद जीते हुए थे उनकी मैंने पीड़ा सुना। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि भैया मुझे जिस प्रकार से रानी अग्रवाल जी और उनके पति के द्वारा मुझे यहाँ से लेकर के हरियाणा दिल्ली पिछले 10 से 12 दिनों तक घुमाया गया, जब नामांकन जमा करने की बारी आई उनको गुमराह करके रखा गया, उनको जब नामांकन जमा करने की बारी आई तो रेलवे स्टेशन बरगवा कैसे गिर्द गिर्द घुमाते रह गए गाड़ी के अंदर पैक करके, उस व्यक्ति को नामांकन तक नहीं कराया जाता है और सीधा सीधा वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद के अंदर अध्यक्ष बना लिया जाता है। इन बातों को विस्तार पूर्वक हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी को पत्र के माध्यम से लिख करके बताएंगे, उनको बताएंगे कि आप आम आदमी पार्टी को परिवारवाद से, आप आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से, जिन लाखों लोगों ने सपना देखा था भ्रष्टाचार मुक्त देश के अंदर संकल्पित होकर के भ्रष्टाचार खत्म करने का, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति के अंदर हम जैसे नौजवान आए थे, जिस प्रकार से सिंगरौली के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है, तो मैं उनसे आग्रह और पत्र के माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बचा लीजिए, सिंगरौली के अंदर बचा लीजिए, नहीं तो ये चीजों के लालच में पार्टी को बर्बाद कर देंगी, बेच देंगी। अभी कई जगहों पे ये भी चीजें आ रही थी, अभी 2023 का जो लेटेस्ट चुनाव हुआ विधानसभा का, इस चुनाव के अंदर भी कई सारे सीटों पे इनके द्वारा पैसा लेकर के हेरा फेरी किया गया है, कई सारी रिकॉर्डिंगें भी आ रही है, कई सारे लोग आकर के बातें भी बोल रहे हैं, कई सारे लोग हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हताश और निराश हो गए हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी हमारी यह जिम्मेवारी बनती है और मैं आज से संकल्पित होकर के बीड़ा उठाता हूँ, जब तक रानी अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटा पाता हूँ जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। और ये जिस प्रकार से ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने परिवारवाद को छुपाने के लिए डरी और सहम हुई है, इसीलिए तात्कालिक ये बिना कारण बताए नोटिस, फर्जी लेटर पे, फर्जी जो हमारे भैया जून जी हैं जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे बातों में आपको रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा, तो उन्होंने कहा हमारी इस विषय पे कोई बातचीत नहीं हुआ है, हमने कोई साइन नहीं किया है, ये पूर्ण रूप से इलीगल है, इस पे आप बातचीत रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से तानाशाही चला रही है, इसको हम सिंगरौली की जनता, सिंगरौली के लोगों के पास, उनके बीच में भी जाएंगे, किसी भी प्रकार से हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। उनके इस फर्जी से न तो हम पार्टी के मेंबरशिप हमारा गया है, न तो पार्टी के हमारे पद गए हैं, मैं अभी भी वहीं पे बरकरार हूँ, आगे भी रहूंगा। इनके खिलाफ हटाने को लेकर के मैं विस्तार पूर्वक बात भी रखूंगा दिल्ली, विस्तार पूर्वक बातें भी कहूंगा, और जिले के अंदर तमाम जितने हमारे कार्यकर्ता, जनता और हमारे चाहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे हैं मजबूती के साथ, अच्छा के साथ खड़े रहिए, आपका भाई है, उनके फर्जी लोगों से डरने वाला नहीं है। जब तक लोगों को, चूंकि न्याय की लड़ाई लोगों की हित की लड़ाई मैं स्वयं लड़ता हूँ, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं स्वयं कटिबद्ध हूँ, जानता हूँ मैं उनके बहकावे में डरने वाला नहीं हूँ। एक बात मैं और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जब प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी के हस्ताक्षर से होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष किसी प्रदेश पदाधिकारी को नहीं हटा सकती है, ये पार्टी का हमारा संविधान भी कहता है, पार्टी के अलावा भी आप लोग देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, आम आदमी पार्टी का जो बायलाज है, जो आम आदमी पार्टी का संविधान है, कमेटी बनती है, अनुशासन समिति है,
वही कार्रवाई से कर सकती है। क्योंकि मैं पिछले इस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, अन्ना आंदोलन से जुड़ा रहा, पार्टी के प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश सचिव से लेकर के न जाने कितने कितने पदों तक पिछले 12 सालों से काम करता रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है ये बात। उनके इन बातों में नहीं जाना है, बाकी आप लोगों का जो भी सवाल हो। आप कैसे कह सकते हैं कि ये भाई भतीजा बात कर रहे हैं? उनके घर में 2017 के अंदर आम आदमी पार्टी हम लोग लेके आते हैं, सदस्यता दिलाते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव स्वयं लड़ी, 2022 के अंदर नगर निगम की महापौर के चुनाव लड़ी, महापौर बनी। 2022 के अंदर ही नगर परिषद बरगवा का चुनाव होता है, उसमें पार्टी का सिंबल लेकर के अपने बहू को पार्षद बनाती है, फिर भाजपा से मिलकर के अपने बहू को उपाध्यक्ष बनाती है, भाजपा को समर्थन देकर के नगर परिषद अध्यक्ष बनाती है, वो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष है, बहू को पार्टी संगठन के अंदर प्रदेश सचिव बनाई है, बेटा को जिला उपाध्यक्ष बनाई है, कि परिवारवाद नहीं तो क्या है? आपने महापौर चुनाव के समय उनका विरोध किया, उस समय उनकी बहू जो उपाध्यक्ष नहीं थी। हमने विरोध किया था। हाँ, अनऑफिशियल विरोध आपने किया था। हमने वो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के महापौर चुनाव लड़े थे। हमने उस चुनाव के अंदर, मैं आज तक ये बात कुछ बातें चूंकि पर्दे के पीछे रहने देना चाहिए, लेकिन आपने ये बात खोला है, मैं आपके बात कहना चाहता हूँ, आप उनके तक संदेश पहुंचा दीजिएगा। मैं जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, रानी अग्रवाल जी न तो मेरा एक दिन प्रचार प्रसार करने गए, न तो मुझसे बातचीत की कि आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो, क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। जो हमारे संगठन के साथ ही प्रचार प्रसार में जाते थे उनको भी मना करती थी, उसके बावजूद भी यही संदीप शाह इसकी समस्त टीम है, जिस दिन चुनाव जीता है अगले दिन से जाकर के आप भाषण भी दे सकते हैं, वार्डो में जाकर के पार्षद के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया, डोर टू डोर गया, जनसभाएं किया है, उनके साथ स्वयं जाकर के न जाने कितने जगहों पे भाषण दिया हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, समाज के लोगों के पास आह्वान किया था, उनके जाकर के मैंने पैर पड़ा था कि एक बार मौका दीजिए, पार्टी को बड़ा भी दीजिए, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि मैं इस भ्रष्टाचारी इतने बड़े भ्रष्टाचारियों के लिए मैं मदद मांग रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। मुझे पता होता ये दिन नहीं लिखने पड़ते मुझे। पहली क्या लगता है कि बाकी पार्टियों को जो हमारी पार्टियों को पड़ी है इसका कितना फायदा होगा? ये तो आने वाली 3 तारीख को आपको दिख जाएगा। 15,000 के अंदर जिस नगर निगम के अंदर चुनाव के अंदर 36,000 वोट मिले थे आज के 18 महीना पहले, और परसों 3 तारीख को दिख जाएगा कितना वोट मिलता है, कितनी उनकी पहचान है, कितनी लोकप्रिय है, कितनी जनता चाहती है, जनता के लिए कितना काम किए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 3 तारीख रिजल्ट तय करेगा। दिल्ली में क्या बात सुनी जाएगी? अगर ये भ्रष्टाचार की बात है, ये तो शुरू से चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से सहमति थी, आगे भी आप लोगों ने आवाज उठाई, तो उस पर क्या हुआ? दिल्ली के लोग, हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, वो हमेशा से भ्रष्टाचार के विरोधी रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। कभी भी मुझे, मैं जहां तक उनको जानता हूं, तो कभी भी इस बात के ऊपर सहमति नहीं देंगे कि रानी अग्रवाल जी यहां पे भ्रष्टाचार करें। वो भ्रष्टाचार कर रही हैं, इनका विस्तार पूर्वक हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उस रिपोर्ट को ले जाकर उनको देंगे, पत्र में लिखेंगे, बकायदा जांच होगा, कार्रवाई होगी। मैं आपको फर्जी हस्ताक्षर जो आप बता रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षर है, क्या इस पर शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करेगा? हमने सारी बात पत्र के माध्यम से भेजूंगा, उनको लिख भी रहा है, हटवाने की कोशिश भी करेंगे उनको प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष हटवाने से हमें पूरी ताकत लगाऊंगा, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जाना पड़ेगा, तो अलग अलग जिलों में जाकर के बैठ के करूंगा, अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। आज मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ता हताश और निराश है, 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मध्य प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी के द्वारा घोषणा किया जाता है, और ये 66 सीटों पर चुनाव लड़ती है, हमारे सारे कार्यकर्ता हताश और निराश है, बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ, जब जैसे जरूरत पड़ेगी पार्टी को जिंदा रखेंगे, पार्टी को बचा रखेंगे, चाहे मुझे जहां तक जाना पड़ेगा, सभी जिलों में जाएंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से तत्काल हटवाएंगे। अनिल जी आप क्या कहेंगे? सभी साथियों को जाएंगे, मेरा नाम अनिल शाह है, मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग का प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ, रहा हूँ और हूँ। जैसा कि हमारे जो वरिष्ठ हैं प्रदेश संयुक्त सचिव संदीप शाह जी ने बताया कि जो जारी किया गया उनका निलंबन पत्र है पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आपको यह सूचित किया गया, न हमारे पास यह मैसेज आया है, न किसी प्रदेश के किसी भी नेता का हमारे पास यह मैसेज नहीं आया है, ये न किसी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइट से चला है, न आम आदमी पार्टी के किसी भी ऑफिशियल पेज पे चला है,
व्हाट्सएप पर सिर्फ में घूम रहा है। तो ये मानते हैं हम सबकी फर्जी भी है, जहां तक प्रदेश राष्ट्रीय एजेंसी से इसने बात की है। और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि मैं लगातार आम आदमी पार्टी से अपनी पूरी करियर को बर्बाद करके 2014 से जुड़ा रहा, पार्टी को खड़ा किया, खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया। हाल में ही मुझे व्यवहारी का प्रभारी भी बना गया था, व्यवहारी में मैंने दिन रात एक करके काम किया। और लास्ट में व्यवहारी में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के एक प्रत्याशी को, पूर्व विधायक को आधे घंटे पहले बुला के टिकट दे दिया गया, टोपी पहनाए और टिकट दे दिए। ये आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी हमेशा कहती है कि हम ट्रिपल सी फॉलो करते हैं, क्राइम, करेक्टर और एजुकेशन देखते हैं, तब आप किसी को टिकट देते हैं। किस गाइडलाइन को पालन करके इन्होंने टिकट दिया, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा चीज, वो ऐसे आदमी को विश्वास करके इन्होंने टिकट दिया और दूसरे दिन फिर टिकट पर टिकट छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। और ये हालत हुई वहां पे व्यवहारी में कार्यकर्ता इतना हताश हो गए हैं, इतने परेशान हैं, हमसे बार बार फोन कर रहे हैं कि आप यहाँ के प्रभारी रहे, यहाँ पे काम किए, रानी अग्रवाल जी का किए। पूरे मध्य प्रदेश में ये हाल चल रहा है, तो पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इनके क्रियाकलाप से, इनकी तानाशाही रवैये से खपा है और रुष्ट है। और हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे, संगठन को बचाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी, हम लोग आम आदमी पार्टी को सिंगरौली में इसीलिए लाए थे कि एक भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है, हम सिंगरौली के लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर होता नहीं दिख रहा है तो हम लोग इससे रानी अग्रवाल जी से आम आदमी पार्टी को बचाएंगे, आगे अपनी बात को रखेंगे। उनके पास पैसा है, आपके पास क्या है फिर? हमारे पास जनता है, लोग हैं, हमारा विश्वास है, हम लोगों तक पहुंचेंगे। जनपद बिना पैसे का चुनाव जीते, आगे भी चुनाव जीत के लिए कहेंगे। दूसरा चीज, जिस प्रकार से फर्जी लेटर पैड जारी कर रही है, कल को और कोई फर्जी इसी प्रकार से लेटर पैड पर लिख करके जारी करता है, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद से रानी अग्रवाल जी को तत्काल हटाया जाता है। इस बात में तो पत्र लिख रहा हूँ राष्ट्रपति को, जांच कमेटी बैठेगी, जांच कमेटी तय करेगी। FIR करना क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए इस बात को, जिस प्रकार से फर्जी चीजें चलाने का प्रयास कर रही है, कल को कोई व्यक्ति इसी प्रकार से इसी तरह से लेटर पैड पे लिख करके डाल देता है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से रानी अग्रवाल जी को हटाया जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो ये बात विचार करने वाली बात, उनको खुद को भी इस प्रकार से फर्जी और षड्यंत्र करके राजनीति में कोई कहीं तक नहीं पहुंच सकता। एक बार सिंगरौली की जनता ने मौका दिया, उसमें फेल हुई, और हमारे साथियों को जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ने का काम किया, उसका रिजल्ट 3 तारीख को आप लोगों को सामने दिख जाएगा परसों। उसके बाद फिर मिलेंगे। और कोई सवाल?